एक बड़ी मजेदार एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ध्यान से देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हिडन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, इसको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, हिडन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। क्यों? अभी पता चल जाएगा आपको। क्या है ये? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट येट पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने लोन बोरो किया हुआ है, लोन बोरो किया हुआ है, उसका कुछ इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है, तो सर फिर तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह ही माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? एक्सपेंस तो माना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट क्यों हो रहा है? आपका एक्सपेंस माना जाएगा, आपका एक्सपेंस माना जाएगा, इंक्रीज होगा एक्सपेंसेस उतने से। ड्यू हैं अभी पे नहीं हुए, तो अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना दिखा के लोन में ऐड कर देते हैं। मैंने बैंक से लोन, ध्यान से सुनेंगे, मैंने बैंक से लोन बोरो किया 10 लाख का, अब उसके ऊपर 1 लाख इंटरेस्ट था जो मैंने अभी पे नहीं करा, तो बैंक उस 10 लाख में ही ऐड करके दिखा देगा, क्योंकि अब मेरी टोटल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द बैंक कितनी हो गई? 10 + 1, तो वो लोन में ही ऐड कर देगा। तो लोन में ऐड हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी उतने से बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एंट्री यही है, ट्रीटमेंट यही रहेगी, इंटरेस्ट उतने से बढ़ जाएगा, एक्सपेंस है और बैलेंस शीट में लोन में ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इतनी मजेदार क्यों है। आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैंक लोन एट 12%, बैंक लोन एट 12%, 1 लाख। ये लोन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, ये जो 1 लाख है ये लोन का अमाउंट है या इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है? हो सकता है, जल्दी बोलें। लोन इंटरेस्ट इंटरेस्ट, लोन लोन, टू ऑल, 3-2, 4-2, नन ऑफ द अबव। दो ही ऑप्शन थे कि ये लोन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। ना लायको, बैंक लोन एट 12%। 12% क्या है? 12% है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो लोन है, ये लोन है, 1 लाख लोन है जो 12% इंटरेस्ट कैरी करता है, तो जो 12% इंटरेस्ट है वो एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो गई, वो एक हो गई इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की। भाई साहब ये जो लोन बोरो किया ना, इंटरेस्ट भी है इस पे, तो ये जो 1 लाख है ये लोन, ये 1 लाख जो है क्या है? ये लोन अमाउंट, लोन अमाउंट है, विच कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं कि नीचे अलग से कुछ भी नहीं बोल रहे ना, तो ये इम्प्लाइड है कि आपको इस पे इंटरेस्ट देना है। अब ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है? अगर आ रहा है इसका मतलब उतना इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, बट क्या यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। दूसरी चीज आप चेक करेंगे, क्या कोई डेट ऑफ बोरोइंग गिवन है? नहीं गिवन है, तो अगर कोई डेट ऑफ बोरोइंग गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर सिंस द डेट ऑफ बोरोइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज
फॉर द फुल ईयर। ठीक है, तो अब क्या दिखा देंगे, एक बार पी एन एल अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, लोन 1 लाख का 12%, 12,000। और एक बारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बैंक लोन एट 12%, लोन अमाउंट कितना है 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 12,000, 1,12,000। क्लियर, कोई भी डाउट? तो 12,000 एडजस्टमेंट है ना, 12,000 दो बार आ गया, एक बार एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट साइड, और क्योंकि पे नहीं करा तो लाइबिलिटीज में लोन में ऐड हो गया। लोन ट्रायल बैलेंस आइटम था, वो एक बार आएगा बस 1 लाख। क्लियर? तो सर सही है, सिंपल सी चीज है तो सिंपल सी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएशंस हैं। कैसी वेरिएशन सर, ध्यान से देखना बेटा। कभी कभी क्या होता है, बैंक लोन है 12%, 1 लाख। अब ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1 जुलाई 2022, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका, 1 जुलाई 2022? करेक्ट, सिंपल सी बात। और क्या हो सकता है, क्या है ये डेट ऑफ बोरोइंग, क्या है ये डेट ऑफ बोरोइंग, अलग से मुझे कोई डेट दे रखी है तो वो डेट ऑफ बोरोइंग है, तो डेट ऑफ बोरोइंग की क्या रेलेवेंस होगी, इंटरेस्ट उस डेट से लगना स्टार्ट होगा। तो पिछले क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी तो हमने पूरे साल का निकाल दिया, यहां डेट गिवन है तो उस डेट के हिसाब से निकालेंगे। बट ध्यान क्या देना है, ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब जितना भी इंटरेस्ट बनता है क्या कुछ पे हुआ है अभी, पूरा का पूरा ड्यू है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1 लाख का 12% फॉर जुलाई है, 9 मंथ्स। जुलाई में लोन बोरो करा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हो जाएगा 9,000। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, बैंक लोन एट 12%, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार,